सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. प्लीज बैठिए. थैंक यू सर. आप अपना परिचय दीजिए. सर मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पतरातू थर्मल झारखंड से की है. उसके बाद सर मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना सिटी और उसके बाद बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट मैंने सर TPS कॉलेज पटना से किया है. मेरा ऑप्शनल समाजशास्त्र है और सर मेरी हॉबी टीचिंग है. ओके जी. BBM करने के पीछे क्या कारण था? सर मुझे टेक्निकल नॉलेज लेना था, वोकेशनल कोर्स करना था ताकि मेरे पास कुछ मार्केटेबल स्किल्स हों सो डैट मैं कुछ जॉब प्राप्त कर सकूँ. लेकिन वो मार्केटेबल स्किल्स तो आपका बेकार रह गया. सर BBM करने के दौरान मैंने एक प्रोजेक्ट किया था सर. प्रोजेक्ट में हम लोग लेबरर्स के डेली वेजेज लेबरर्स होते हैं उनका डेटा सैंपल इकट्ठा कर रहे थे और वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ें पता चली. इसके कारण मुझे सर समाजशास्त्र पढ़ने का मन किया और जानने का मन किया और उसके बाद सर. अच्छा ठीक है. ठीक है आप ये बताएं कि एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको. जैसे आप मान लीजिए BAS में आ जाते हैं और आपके जो डिपार्टमेंट ऑफिस में जो टाइपिस्ट है मान लीजिए वो नहीं आया है उस दिन और किसी और को टाइपिंग आता नहीं है. आपको यू नो हाउ टू टाइप, टाइपिंग आपको आता है. तो ऐसे में अगर आपका बॉस अगर आपको मान लीजिए ऐसा कोई काम दिया है जहाँ पे उसको टाइप करने का ज़रूरत पड़े, ठीक है, और ऊपर से बार बार फ़ोन आ रहा है कि टाइप पीस नहीं है तो फिर भी आप देख लीजिए किसी और से करवा लीजिए क्योंकि इमीडिएटली मिनिस्ट्री में उसको भेजना है. ऐसे में आप क्या करेंगे? सर अगर मैं टाइपिंग जानता हूँ तो मैं सर कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से उसे कंप्लीट करके भेज दूँ. आपने MBE पढ़ा है मैनेजमेंट में? सर मुझे अभी याद नहीं. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सर पढ़ा है पर आप बताइए फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है? सॉरी सर. आप वैसे ठीक है, आप भूल गए, कोई बात नहीं. क्या आपको एज ए टाइपिस्ट वहाँ पे रखा गया? आपका मार्केटेबल स्किल क्या है? ऐसा कौन सा स्किल है जो आपके पास है उस टाइपिस्ट के पास नहीं है? सर मुझे वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा गया है. तो टाइप क्यों करेंगे आप? लेकिन क्योंकि सर टाइपिंग की ज़रूरत है और अगर मुझे वो स्किल आता है और उस समय अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है मान लीजिए टाइम तो उसमें जाएगा सर. तो क्या आप जो डिसीजन मेकिंग का काम है जो टाइपिस्ट आया नहीं ऑफिस में क्या वो कर सकता है वो डिसीजन मेकिंग का काम? नहीं ना, नहीं कर सकता. आप तो टाइपिंग कर सकते हैं सर. तो आपको लगता नहीं है कि आपने जो मैनेजमेंट में पढ़ा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वो ठीक से पढ़ा नहीं है? तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ऐसे मार्केटेबल स्किल का? आपको पता है मार्केटेबल स्किल होता क्या है? व्हाट इज मार्केटेबल स्किल? सर मार्केटेबल स्किल ऐसा स्किल्स होता है जिसकी रिक्वायरमेंट एंटिटीज को जो एम्प्लॉय करती है उसको होता है सर. जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको सेल कर सकते हैं वैसा स्किल, ठीक है. ठीक है आप ये बताइए व्हाट इज MBO इन मैनेजमेंट? सॉरी सर. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? सॉरी सर मुझे. स्पिरिट द कोर क्या कहता है? सॉरी सर. मैनेजमेंट आपने ठीक से पढ़ा नहीं है इसका मतलब? सर मैं भूल गया हूँ सर. अच्छा पढ़ने के बाद भूल भी जाते हैं आप? सोशल जी भी भूल जाएंगे दो दिन बाद. मतलब सर ठीक है ये बताइए मार्केटेबल स्किल को लेके डेविसन मूर या ट्यूमिन सोशल जी में क्या बोला है? सॉरी सर. ठीक है सोशल जी में आपने क्या पढ़ा है, कौन सा थिंकर पढ़ा है जहां आप कंफर्टेबल हैं, क्या कोई टॉपिक? सर मैं इंडियन सोशोलॉजी में कंफर्टेबल हूँ. इंडियन सोशोलॉजी में क्या पढ़ा है आपने? सर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के बारे में और उनकी समस्याएं और कोई थिंकर का बात नाम बताइए. सर श्रीनिवास, MN श्रीनिवास. MN श्रीनिवास पढ़ा है आपने? Yes. अच्छा ठीक है. डिस संस्कृताइजेशन क्या होता है?
सर डी संस्कृताइजेशन जो सोसाइटी में अपर स्टेटस के लोग हैं, कई बार लोअर स्टेटस के लोगों के साथ रहते रहते उनकी उनकी तरह से बिहेव करने लगते हैं। जैसे कि कास्ट हायरार्की में अगर हम लोग देखें तो जो सबसे ऊपर है कास्ट हायरार्की में, उन लोगों ने भी सर नॉनवेज कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। देखिए, आपने बोला कि रहते रहते ऐसे बिहेव करने लगते हैं, क्या ये रीज़न है डिसंस्कृताइजेशन का या कुछ और रीज़न है? सर विद जेनरेशंस ये इस तरह से क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो? सॉरी सर, ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए व्हाट इज सोसाइटी। सर सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है सर। वो तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, अगर ये आपका डेफिनेशन है सर। ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा ही है, इंडिविजुअल बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। सर ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स भी सेम होते हैं सर इंडिविजुअल्स के। सोसाइटी में क्या गोल रहता है? सर सोसाइटी में इंडिविजुअल अपने हिसाब से भी बिहेव कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में सर क्योंकि गोल ओरिएंटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोसाइटी में कोई सच कोई गोल नहीं होता है? सर सोसाइटी में भी गोल होता है। क्या गोल होता है, सोसाइटी का गोल क्या है? सर जैसे सोसाइटी में नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं तो इंडिविजुअल्स को उनको फॉलो करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्म्स नहीं होते हैं, वैल्यूज़ नहीं होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं सर। कहाँ पे डिफरेंस है फिर? सर सोसाइटी में क्योंकि सोसाइटी एक, ठीक है मैं आपको तीन चार टर्म बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या डिफरेंस है। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, क्राउड, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन। सर क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका जो जिनका कोई भी ऐसा गोल नहीं है, जिस मतलब कोई भी इम्पैक्ट कोई भी गोल नहीं है, बस ग्रुप ऑफ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल है सर। फिर कॉन्ग्रीगेशन क्या है, एग्रीगेशन क्या है? सॉरी सर नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये बताइए कि हु सेड दैट कल्चरली डिफाइंड गोल्स एंड स्ट्रक्चरली अवेलेबल मीन्स, दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो देयर विल बी अ क्राइम इन द सोसाइटी। अभी बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस रिलीज किया है। yes, क्या है आउटकम उसका? सर उसमें अगर हम लोग देखें तो जो अनरिजर्व लोगों की संख्या, जो रिजर्व पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो अराउंड 85% है, और अगर हम लोग देखें तो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं उनकी पॉपुलेशन भी सर अराउंड 36% है, बट उन्हें उसका उतना रिजर्वेशन का लाभ नहीं है सर। तो ये बताइए कि ये जो अभी रिपोर्ट आया है वो कास्ट सेंसस का आया है कि कास्ट सर्वे का आया है? सर कास्ट सर्वे का आया है। सेंसस और सर्वे में अंतर क्या हुआ? सर सेंसस यूनियन सब्जेक्ट है, सेंसस भारत सरकार कर सकती है, सर्वे सर स्टेट्स कर सकते हैं। सेंसर सर हर 10 साल में होता है, सर्वे सरकार चाहे तो कभी भी कर सकती है। और सैंपल साइज पे भी कुछ डिफरेंस है या? सैंपल साइज पे सर बिहार सरकार के अकॉर्डिंग उन्होंने सभी लोगों का डेटा इकट्ठा किया। तो फिर तो सेंसस ही हो गया बिहार सरकार, बिहार राज्य के अंदर में कह सकते हैं सर सेंसस हो गया। मतलब अगर, लेकिन सर इसका नाम में भी बिहार सरकार कास्ट सेंसस कई जगह यूज करती है, लेकिन सर क्योंकि सेंसस स्टेट सब्जेक्ट नहीं है तो ये सर्वे ही कहा जा रहा है सर। अच्छा, ये कास्ट सेंसस जो हुआ उससे उसमें सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग बहुत सारा कंसर्न रेज किया गया, तो ये कास्ट सेंसस राइट टू प्राइवेसी को कैसे इन्वेड करता है या हनन करता है? सर कास्ट सेंसस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि आपकी जाति क्या है, आपका आप किस आय वर्ग से आते हैं, आपके यहाँ कौन कौन से लोग कितना अर्न करते हैं, इस तरह के जो सवाल थे सर वो कहीं ना कहीं प्राइवेसी को चैलेंज करते हैं सर। तो हमारे भारत में राइट टू प्राइवेसी को लेके कौन सा लॉ है? सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है,
आचार्य चाणक्य ने एक बार बोला था कि शिक्षक साधारण नहीं हो सकते हैं, शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों के सूत्र पलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सर, शिक्षक क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को शिक्षा देते हैं, तो और तो अगर चाहे शिक्षक तो उसे अच्छी शिक्षा दे करके उनसे अच्छा काम भविष्य में वो कर सकते हैं, और अगर वही शिक्षक अगर कुछ गलत चीज़ सिखाना चाहें बचपन में ही, तो हो सकता है कि अगला जनरेशन देश का वो ख़राब हो जाए। तो अगर आपको अभी भारत के शिक्षा व्यवस्था पे एक ओवरव्यू प्रेजेंट करना पड़े, तो आपके हिसाब से भारत का शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं? सर, भारत का शिक्षा व्यवस्था सर दो वर्गों में बट गया है। एक जो नीचे तबके के लोग हैं वो सरकारी स्कूलों पर डिपेंडेंट हैं, जहाँ पे शिक्षा की स्थिति अभी भी गंभीर है। सर, प्राइवेट स्कूल्स में अच्छी शिक्षा है, तो सरकारी स्कूल्स में शिक्षा सुधारने की आवश्यकता है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, बोला जाता है कि जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए वर्ड जेंडर को एग्जिस्ट होना बंद करना पड़ेगा, ये वर्ड जेंडर क्या है? सर, जेंडर एक सोशल टर्म है, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं बायोलॉजिकली मेल और बायोलॉजिकली फीमेल को। सर, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी एक ऐसा एगलिटेरियन कंसेप्ट है, जहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, दोनों के पास इक्वल पे स्केल हो और इक्वल चांसेस हो ग्रो करने के। क्या टीचिंग में क्या करते हैं आप? सर, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ सर, अंडर प्रिविलेज बच्चों। तो आप ये काम ही क्यों नहीं करते? आपने अभी ग्लोरीफाई किया टीचर को, इस काम को करने में क्या दिक्कत है आप? सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिविल सर्विस में आता हूँ तो हो सकता है कि मैं पूरे ब्लॉक के स्कूल्स को ठीक कर सकता हूँ। अभी अगर मैं पढ़ाता रहूँ तो लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे को ही मैं पढ़ा पाऊँगा। अब डायरेक्टर एक्साइज हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? RDO हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? सप्लाई इंस्पेक्टर हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? सर, डायरेक्टर एक्साइज क्योंकि सर उनका काम बेसिकली जो मैंने उनका काम नहीं पूछा, आपने कहा ना कि मैं कर सकता हूँ, तो क्या करेंगे आप? सर, जैसे डायरेक्टर एक्साइज सर कई सारे बच्चे ड्रग्स और इन चीज़ों में बचपन से ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सर मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ पे रहूँ वहाँ पे बच्चे इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। ये कितना बड़ा आपका काम होगा बताइए, इसके लिए क्या करेंगे आप बताइए, आपके पास क्या होगा, कौन से राइट्स होंगे जो आपको लगता है कि आप इसको रोक लेंगे? सर, क्योंकि बच्चे कई बार जो गरीब बच्चे होते हैं सर, उनको सही से शिक्षा नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे उसकी शिक्षा के लिए? आपके पास कोई राइट है? ऐसे राइट्स होंगे जो कि आप कुछ कर पाएँ उनके लिए, कुछ अधिकार होंगे आपके पास क्या? सर, मैं कोशिश करूंगा कि एनजीओ से कोऑर्डिनेट करूं और उन जो बच्चे इन चीज़ों में पहले से सम्मिलित हों उनको सर सही रास्ते पे ले। आपके पास टाइम होगा? क्योंकि आप जब एनजीओ से कोऑर्डिनेट करेंगे तो बहुत से लोग आपके खिलाफ भी तो होंगे जिस तरह की गतिविधि में जाएंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे अपना ऑफिस टाइम और ये टाइम? ये तो आपका अलग का टाइम, अलग का काम हो गया सर। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है और टीचिंग एक ऐसा विषय है सर जो मैं, आपको लगता है कि प्रशासन में एडलिज्म चलता है? सर, अगर कोशिश की जाए सर तो थोड़ा सा तो सुधार की। कैसे मतलब क्या कोशिश करेंगे आप, हमें वही बताइए। सर, जैसे बहुत सारे बच्चे जो इन चीज़ों में सम्मिलित होते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो गरीब तबके के होते हैं, अगर उन्हें सही से शिक्षा व्यवस्था दी जाए सही से। आप बार बार उसी चीज़ पे आ रहे हैं जबकि आपकी अपनी भूमिका जो है वो दूसरी है। तो आपसे मैं वही जानना चाहता हूँ कि क्या प्रशासन में वो आदर्शवाद काम कर पाता है जिस आदर्शवाद को लेके आप वहाँ जाना चाहते हैं? सर, आदर्शवाद काम नहीं करता, लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो थोड़ा सा चेंज लाया जा सकता है। मसलन जैसे आप फिर वही बात करेंगे कि स्कूली बच्चों को और ये और गरीब बच्चों को पढ़ाने उड़ाने का? आपको ये नहीं लगता कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती हैं अगर टीचर बना जाए तो, या समाज सेवक बना जाए तो, और प्रशासन के साथ मिलकर उस दिशा में प्रयास किया जाए तो? सर, ऐसा नहीं हो सकता?
सर की जा सकती हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है सर वो बहुत ही लिमिटेड होता है। क्यों, समाज सेवा का इम्पैक्ट लिमिटेड होता है? मैं गिराना शुरू करूं समाज सेवा के क्षेत्र के लोगों को? सर मैं समाज सेवा, आप कोई एक लोक सेवक बताइए जिसका कि सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। सर रिसेंटली राजस्थान के एक आईएएस ऑफिसर ने सर वहाँ पे स्कूल्स में जो बच्चे टॉप करते हैं जो गर्ल्स उनके उनको ग्लोरीफाई करना शुरू किया, इसके कारण सर बहुत सारी। वो कौन थे? आईएएस ऑफिसर थे, क्या थे, किस पोस्ट पे थे वहाँ पर? सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर? सर ऑल्दो लिमिटेड स्कोप होगा मेरे पास, लेकिन सर क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ सर मैं कोशिश जरूर करूँगा। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। अंकुर कब है आपका इंटरव्यू? सर 13 तारीख को। 13 तारीख को। सी यू आर ए गुड कैंडिडेट, आपका बॉडी लैंग्वेज कूल काम कंपोज्ड है और बहुत आराम से आप बात कर लेते हैं, पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास, जो भी सिविल सर्वेंट बनने के लिए चाहिए वो आपके पास है, आप आर्टिकुलेट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को समझ के उस हिसाब से जवाब भी दे पाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा देख लेंगे ना, क्योंकि वो कनेक्टेड है, ऐसा मैनेजमेंट में एक्सेप्शन ये कहता है कि जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको रखा गया है, जो काम आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता है, आप उसे वही काम करेगा। इवन इफ़ अगर जो काम छोटा कोई काम अगर मान लीजिए ऑफिस में टाइपिंग या इस टाइप का छोटा छोटा काम अगर है तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वाला टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, मैं देख ना, तो ये भी एक आस्पेक्ट है, और सोशियोलॉजी को जितना हो सके ब्रशअप करना पड़ेगा, है ना, ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं। और सेंसस एंड सर्वे में मेरे ख्याल से सैम्पल साइज सर ने आपको हिंट भी दिया, सेंसस में कवरेज होता है, कंप्लीट कवरेज होता है, और सर्वे में उस तरीके से अलग अलग सर्वे टेक्निक्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और आप स्ट्रेस को भी मैनेज कर लेते हैं, और ठीक है आपका परफॉर्मेंस। आप बताइए, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? सर मतलब मैं सर सही से आंसर कर पाता हूँ, मतलब घबरा तो नहीं रहा? ना ना ना, ठीक है, आप आंसर सही कर पाते हैं, बहुत अच्छा आंसर कर पाते हैं। मतलब सोशियोलॉजी और सर मैनेजमेंट यही दो? हाँ, वो तो थोड़ा फैक्चुअल है ना, तो थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो वो भी हो जाएगा। और सर ने जो क्वेश्चन पूछा सर लास्ट में, वो सर उसमें मैं सही से आंसर कर पाया या फिर जो आदर्शवाद? और सर बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा आदर्शवादी स्थितियों से बचना होगा। टीचर आपका जॉब नहीं है, आपकी हॉबी है, ठीक। अगर आप जॉब में होते तो कुछ आपसे इस सवाल का जो प्रश्न मैं कर रहा था उसका जवाब आप जो दे रहे थे वो उसके अनुसार होता। आपकी ये हॉबी है तो आप इसको हॉबी के रूप में ही वहाँ पे प्रेजेंट करिए, ठीक है ना। आप इतना घुसेंगे कि मैं ये कर लूँगा वो तो संभव होता नहीं है, क्लियर। तो इसलिए जो हॉबी है उसको हॉबी के रूप में ही रखिए। अगर आपने जॉब एक्सपीरियंस आपका होता टीचर के रूप में तो आप जो कुछ सवाल दे रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, एक हद तक उस पर जा सकते थे, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होगी। सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद सर एक स्टार्टअप में काम किया है, तो वो बताना आवश्यक है कि नहीं? स्टार्टअप में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपने वो BBM किया है तो आप थोड़ा उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि मैंने वहाँ पर भी किया, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है ना। अच्छा, सर का जो क्वेश्चन था उसमें एक पॉइंट सर याद रखिएगा, जब भी हम बोलते हैं ना आइडियलिज्म, आइडियल टाइप्स, वो एक्चुअली मेजरिंग रॉड होता है, जो एक्चुअल को एक्चुअल के साथ कितना डेविएशन उसको नापने के लिए, इसलिए आइडियल टाइप्स बनाया जाता है। आइडियलिज्म इस वजह से कि वो एक मेजरिंग रॉड है, आप कितना डेविएट कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेविएशन है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस में चेंज लाना पड़ेगा, अगर मार्जिनल डेविएशन है तो आप काम चला सकते हैं, बट एग्जैक्टली आइडियलिज्म या आइडियल टाइप्स फॉलो नहीं कर पाते हम लोग कभी, ठीक है।